नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी महिलाएं ताल ठोक रही हैं, जो पुरुषों या फिर अपने पति के अधीन रहकर सिर्फ प्रतीकात्मक चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अपने व्यक्तित्व और हैसियत से चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिनका इरादा राजनीति में लंबी पारी खेलनी है। हालांकि जिन महिलाओं का हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनका अभी तक कोई संसदीय अनुभव नहीं रहा है, लेकिन इरादे कुछ करने वाले नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की सबसे बड़ी सनसनी और मिस्ट्री गर्ल पुष्पम प्रिया चौधरी की। जदयू नेता और पूर्व पार्षद विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी विदेश में पढ़ी है और इस बार के चुनाव में बिहार को बदल डालने के दावे के साथ प्लूरल्स पार्टी से सीएम पद का उम्मीदवार खुद को घोषित कर चुकी है। अखबारों में विज्ञापन और चौराहों पर होर्डिंग लगाकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को और पार्टी को प्रदेश में लॉन्च किया था। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रदेश का दौरा कर बिहार में 30 साल से लॉकडाउन नाम से अभियान चलाया। उन्होंने बिहार के गुमनाम पर्यटन स्थलों, बंद पड़े कारखानों समेत प्रदेश के जिलों में तूफानी दौरा किया और सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया। इस पार्टी ने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें उनके पेशे को जाति और धर्म के कॉलम में बिहारी लिखा है और सरकार बनने पर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल देने का दावा किया है। सीतामढ़ी के सिंहा विहिनी पंचायत की मुखिया रितु जायसवाल अपने काम की वजह से बिहार ही नहीं बाहर भी लोकप्रिय हैं। जदयू नेता रही रितु को जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। उनको राजद ने परिहार विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। रितु जायसवाल के पति आईएएस थे, जो अब वीआरएस ले चुके हैं। सिंहा वाहिनी पंचायत में उनके पति का गांव है, जहां वो आई तो वहां के खराब हालात ने उनको समाज सेवा की तरफ आने के लिए प्रेरित किया। शहर की अच्छी जिंदगी छोड़कर गांव में आ गई। उन्होंने सिंहवाहिनी में पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला लिया और वो अपने इलाके की चर्चित मुखिया बन गई। रितु चैंपियंस ऑफ चेंज समेत राष्ट्रीय स्तर पर अन्य अवार्ड पा चुकी है। रितु जायसवाल को चुनाव में उनके काम और लोकप्रियता का लाभ मिल सकता है। तारापुर विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी और युवा नेता दिव्या प्रकाश पहली बार बिहार चुनाव में किस्मत आजमा रही है। दिव्या प्रकाश के पति जय प्रकाश नारायण यादव राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और लालू यादव के करीबी थे। जय प्रकाश नारायण यादव बिहार में और केंद्र में मंत्री रहे थे। तारापुर क्षेत्र से उतरी दिव्या प्रकाश पति की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है। उनका कहना है कि वो तारापुर के लिए कुछ करना चाहती है। कद्दावर नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा जिले के बिहारीगंज सीट से चुनावी मैदान में है। पिता शरद यादव मधेपुरा से जदयू के टिकट पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। मध्य प्रदेश निवासी शरद यादव इस क्षेत्र में बस चुके हैं और मधेपुरा उनका गढ़ कहा जाता है। 2019 के संसदीय चुनाव में राजद के टिकट पर चुनाव लड़कर शिकस्त खाने वाले शरद यादव की बेटी सुभाषिनी पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरी है। शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीतने वाली अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी श्रेयसी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जेडीयू नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल सिंह की बेटी है। उनको बीजेपी ने जमुई सीट से टिकट दिया है। श्रेयसी सिंह बिहार के पलायन के मुद्दे को सबसे अहम मानती है। वो बिहार में ही नौकरी पैदा करने और बिहारियों के बिहार में ही रुकने की बात करती है। वो कहती है कि मुझे इसी मुद्दे पर काम करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रहे कमला मिश्रा मधुकर की बेटी शालिनी मिश्रा को जेडीयू ने केसरिया विधानसभा सीट से टिकट दिया है। 22 वर्षों से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी शालिनी मिश्रा भी वामपंथी रहे पिता की विरासत को आगे ले जाना चाहती है और उन्होंने इसके लिए जेडीयू का दामन थामा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।